बैनी विकासखंड नगवा के ब्लॉक सभागार में शनिवार को ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पिछली कार्यवाही की पुष्टि करते हुए भावी विकास की खाका सींची गई है। बैठक में संचालक हृदय नारायण महतो, BDO, ADO पंचायत रामचरण प्रसाद व ग्राम विकास अधिकारी सुनील गुप्ता, सुजीत कुमार, सतीश चंद यादव, ग्राम प्रधान अमृतलाल का यादव, सदस्य शंभुनाथ, बैठक में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, 15वां व पंचम वित्त में आने वाला धन, NRLM, स्वच्छ भारत मिशन, विद्युत समस्या पर एवं परिवार कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार का विचार, सर्व शिक्षा अभियान, पशुपालन, कृषि एवं कृषि रक्षा चर्चा पर हुई है, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे हितग्राही योजनाओं को बताया गया है। अंत में ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने बैठक में आए हुए सभी BDC सदस्यों व प्रधानगणों का आभार जताया है। इस मौके पर राम सहित कई गांवों के प्रधान व BDC गण मौजूद रहे। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ कन्हैयालाल की रिपोर्ट। आज सभागार कक्ष में जो खुली बैठक की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बैठक का मुख्य उद्देश्य आज का था, ये हमारी क्षेत्र पंचायत की बैठक, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका, उसके क्रियान्वयन को लेकर और आगे आगामी जो कार्य योजना है, जो एक साल में हम सभी लोग कार्य करेंगे, उसके कार्य योजना से संबंधित बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित। कई योजनाओं में सरकार की योजनाएं, सभी योजनाएं जमीन पे पहुंच रही हैं। और ये चूंकि ये हमारा ब्लॉक थोड़ा सा ये पानी समय है, जिसमें कुछ गांवों में अभी आवास वास बनने में थोड़ा कठिनाई आ रही है, और वैसे सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही है। अगर किसी योजना में कोई समस्या आ रही तो उसका समाधान भी सरकार करा रही है, जैसे अभी किसान सम्मान निधि, उसका लाभ बहुत से किसानों को भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सरकार ने हर ग्राम पंचायत में कैंप लगवाकर और संबंधित सभी अधिकारियों को गाँव में भेजकर ऐसे जो पात्र किसान सम्मान निधि के किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास सरकार कर रही है। समस्या है आने में, सूचना सबको दी गई थी, नहीं आ पाए हैं उससे उनका कारण जाना जाएगा और जो उनकी समस्या है उसका यथासंभव निस्तारण कराया जाएगा। सर, जैसा कि जो योजना है कहीं कहीं ऐसा भी मामले आते हैं कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे उनको समझना चाहिए। ऐसे जैसे प्रमुख जी ने कहा अभी कि किसान सम्मान निधि जैसे लोग छूट गए हैं, नहीं आ रहा है पैसा उनके खाते में, तो जो छूट गए हैं उनसे उनका डॉक्यूमेंट मंगाकर कैंप लगाया जा रहा है। हम भी गांव में जाते हैं, सचिव जाते हैं और अधिकारी कर्मचारी, कोई भी समस्या है ब्लॉक में वो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो जो कोई भी छूट गया है वो उससे आच्छादित हो जाएगा अगर वो